सावन के महीने का बहुत महत्व है। ये पावन महीना भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को पाने का एकमात्र तरीका भक्ति है। इस माह में भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा की जाती है, इसलिए कहा जाता है कि सावन के महीने में पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण मास में किए गए कुछ विशेष कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस बार सावन का महीना अपने साथ कई शुभ संयोग लेकर आ रहा है। ऐसे में अगर कुछ कार्य कर लिए जाए तो इससे सेहत ही नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ सकता है। माना जाता है कि वास्तु में व्यक्ति की हर मुश्किल का हल छिपा होता है। ऐसे में खराब वास्तु वास्तु दोष का कारण बन सकता है। इससे व्यक्ति के जीवन में कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। तो आइए जानते हैं सावन के पावन महीने में कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे आपकी सेहत ही नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। सावन के महीने में रुद्राक्ष धारण करने से मानसिक तनाव दूर होता है। ऐसा करने से हृदय से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। इतना ही नहीं बल्कि रुद्राक्ष धारण करने से जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। वास्तु के अनुसार पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने से स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। सावन के महीने में आर्टिफिशियल वाटर फाउंटेन लगवाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप अपने घर की पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में जल का स्रोत भी लगवा सकते हैं। ऐसा करने से घर की सभी नकारात्मकता ऊर्जा दूर होगी। इससे घर परिवार में सुख शांति और सौभाग्य में वृद्धि होगी। सावन के महीने में घर की उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आता है। माना जाता है कि कुंवारी कन्याएं अगर सावन में तुलसी का पौधा लगाएं तो उनके विवाह के योग जल्दी बनते हैं। सावन के महीने में पति पत्नी एक साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना कर पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। इसी के साथ वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां भी समाप्त होगी। वास्तु के अनुसार घर की पूर्व दिशा में भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की प्रतिमा स्थापित करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा से निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। सावन के इस पावन महीने में एक लोटी जल में इसमें थोड़ा काले तिल डालकर प्रतिदिन शिवलिंग का अभिषेक करें। माना जाता है कि ऐसा करने से सेहत अच्छी रहती है और शारीरिक कष्ट भी समाप्त होते हैं। धतूरा भगवान शिव को बेहद पसंद है। सावन में धतूरे का पौधा लगाने से शत्रु परास्त होते हैं तथा शरीर स्वस्थ रहता है और जीवन में खुशहाली आती है। वास्तु के अनुसार सावन के सोमवार को शिवलिंग पर अनार के रस से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन संबंधी समस्याएं भी दूर होंगी। शास्त्रों के अनुसार सावन के किसी भी एक सोमवार को शिवलिंग पर सरसों के तेल का रुद्राभिषेक करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर परिवार में खुशहाली आती है और सेहत भी अच्छी रहती है। तो आप भी सावन के महीने में ये उपाय जरूर करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपके लिए रिपोर्ट लिखी है राजकमल ने। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।